तो ये है रोड के नुक्कड़ पे खड़े ठेले ओ खाई मेहमान के दाल चावल के 80 रुपए वाले दाल चावल, और दूसरी तरफ है 4-स्टार रीजेंट प्लाजा होटल के 2000 के दाल चावल। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं ट्राई करने वाला हूँ चीप मीडियम और एक्सपेंसिव दाल चावल। तो कौन से रहे आज के बेस्ट? सच्चाई को ले आऊं सामने, मेरे पेट में बात नहीं रुक रही। बहुत सस्पेंस होना चाहिए। तो आइए चलते हैं अपने रिवायती अंदाज में पहले सस्ते दाल चावल की तरफ। तो व्यूअर्स, आज के हम लोग अपने चीप दाल चावल यानी के सस्ते दाल चावल खाने आए हैं ओ खाई मेहमान दाल चावल से, जो कि भाई ठीए पे बनाता है, छोटे से ठेले पर दाल चावल बेचता है, और ये मौजूद है नर्सरी में। और यहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा इनके पास रश रहता है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो है ना साथ ही साथ सारे ऑफिसेज हैं, तो उनकी जब लंच टाइम होता है तो वहाँ पे जो है ना उनके ठेले पे काफ़ी ज़्यादा रश लग जाता है। तो अभी चल के खाते हैं कि भाई चीप वाले कैसे हैं, उसके बाद फिर मीडियम ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद एक्सपेंसिव ट्राई करेंगे, और फिर देखते हैं कि भाई आगे कौन आज का गेम विन कर जाता है और किसका टेस्ट सबसे बेहतर है, आया चीप का, मीडियम का, या फिर एक्सपेंसिव का। इनके पास सिंपल दाल चावल भी होते हैं और इनके पास कबाब भी है। होता यह है कि भाई दाल चावल की प्लेट के अंदर चावल सफ़ेद डाले होते हैं, ऊपर से दाल, फिर अचार, और इनके पास एक ग्रीन चटनी है वो भी ऊपर डाल के देते, और पापड़ी भी है, वो पापड़ी भी डाल के एक प्लेट तैयार करके देते हैं। वीडियो बनाने की इजाजत मिली नहीं, जब ही ठीक से शॉट्स ले नहीं पाए, बस इन्हीं से ही गुजारा कर रहे हैं, इसीलिए माजरत करते हैं, लेकिन आगे अभी बहुत जान पड़ा है। बिल्कुल ही दाल जो है ना बिल्कुल ही हल्के रंग की है, एक होता है ना कि यार मतलब गाढ़ा पीला कलर होता है, और दाल जो है ना इसकी काफ़ी जो है ना पतली सी है। तो जरा खा के देखते हैं, चावल का साइज माइज तो मुझे ठीक लग रहा है यार, मुझे जो है ना दाल का टेस्ट तो थोड़ा कम ही आया है, ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना चटनी और अचार इन्होंने कुछ ज़्यादा ही डाल के दिया, और दाल थोड़ी सी कम थी, तो इसी वजह से मुझे अचार और चटनी का ज़्यादा टेस्ट आया है। ये दाल वाली साइड उठा के खाते हैं। अरे भाई साहब, ये हमें चीप का याद दिलाने आई हैं, इतना तो चलता ही है, पता तो लगे क्या टेस्ट है दाल चावल का। यार कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्ट नहीं है, मतलब चीप है तो चीप के हिसाब वाला ही टेस्ट है, कोई वो वाला नहीं है कि जिस तरह मतलब खाते ही जो ना ओए होए वाली जो फीलिंग्स आ जाती है ना, इस तरह नहीं है। बहरहाल ये है कि पेट भरने जैसा है। इसके ऊपर जो मसाला डाल के दिया ना और पापड़ी, वो थोड़ा मज़ा करा रही है, चटपटा सा मसाला है, और जब बाइट के अंदर क्रिच करके पापड़ी आ रही है ना, वो एक जो है ना टेस्ट को थोड़ा सा बढ़ा रही है, वो मज़ा करा रही है। ये प्लेट थी 80 रुपए की, और 100 वाले में भी यही है, बस 2-4 निवाले ज़्यादा होंगे। इसका मैं आपको कंप्लीट एड्रेस बताऊँ तो ये है नर्सरी पे, दिल्ली स्वीट से ना उससे थोड़ा सा पहले पेडिस्टर ब्रिज है, उसके नीचे ये खड़े हुए हैं, और सर्विस रोड पर है, सर्विस रोड पर है होटल फरहान, उसके बिल्कुल ही पास में। तो व्यूअर्स, मीडियम रेंज की दाल चावल की तलाश में हम लोग पहुंच चुके हैं बादराबाद। वैसे एक बात है यार, मीडियम रेंज के दाल चावल ना ढूंढना थोड़ी सी चैलेंज वाली बात बन जाती है, क्योंकि जो दरमियाना स्टैंडर्ड की जो रेस्टोरेंट है ना, उसमें दाल चावल मिलना थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। तो हम लोग इसी के चलते बादराबाद पे पहुंच गए, और यहां पर एक डिफेंस के नाम से रेस्टोरेंट है, वहां पर दाल चावल मिलते हैं, बड़े अच्छे दाल चावल मिलते हैं, वो भी है मीडियम रेंज के। तो अभी चलते हैं डिफेंस पे और वहाँ के दाल चावल चेक करते हैं, और ये भी देखते हैं कि भाई रेट क्या है और उसका क्या टेस्ट है। भाई इसका पूरा नाम है डिफेंस फास्ट फूड। अब आप बोलेंगे कि भाई फास्ट फूड की दुकान पे दाल चावल, क्योंकि पता है क्या, दाल चावल ऐसी चीज़ है तो अच्छी, लोगों को पसंद होती है अमूमन अक्सर लोगों, लेकिन इसके लिए कोई स्पेशली कोई जो है ना कोई रेस्टोरेंट नहीं होता कि जिस रेस्टोरेंट पे या किसी दुकान पे सिर्फ और सिर्फ दाल चावल मिले, ऐसे बहुत कम होता है। अच्छा ये बताएं कि आप दाल चावल में क्या क्या होता है दाल चावल के साथ, मतलब दाल चावल के साथ हमारा अचार होता है और चटनी होती है इसके साथ। अच्छा, सलाद अच्छा। भी होता है लेकिन वो सलाद सेपरेट होता है। सही सही। अच्छा कितना टाइम हो गया आपके दाल चावल? हमारे दाल चावल को 18 से 20 साल हो गए। 18-20 साल, मतलब 18-20 साल से दाल चावल लगा रहे हो, पर नाम लिखा हुआ असल में डिफेंस फास्ट फूड का। जी हमारे पास लिखा हुआ था डिफेंस फास्ट फूड है, लेकिन हमारे पास दाल चावल हमारी स्पेशलिटी जो होती है दाल चावल होती है। हमारा दाल चावल बहुत मशहूर है माशाल्लाह, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं हमारे पास, ऑफिस वाले जो है सारे फैसल से, टावर से, और इधर शहीद मिलत से, सब जगह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दाल चावल खाने आते हैं लोग। फास्ट फूड होता है बारबेक्यू, सालन की सारी वैरायटी है, इसके अलावा हांडी कढ़ाई वगैरह भी होती है हमारे पास। इनकी जो दाल है ना वो है काफ़ी गाढ़ी है, और दूसरी बात कि इनकी दाल के अंदर लौकी भी डली हुई, और ये लौकी का पीस भी जो है ना काफ़ी बड़ा जो है ना ऊपर से रख के दे दिया। सिंपल से चावल है सफ़ेद, उसके ऊपर दाल जो है ना डाल के दिए, और साथ में जो है ना अचार इन्होंने ऊपर से रख के दिया, और क्वांटिटी अच्छी खासी है कि एक बंदा जो है ना बड़ी मुश्किल से मुझे लगता है कि इसको ख़त्म कर पाएगा। तो अभी खा के देखते हैं कि भाई टेस्ट क्या है इसका। दाल चूँकि गाढ़ी है ना,
और चटपटी भी है, इस वजह से एक अपना प्रॉपर फ्लेवर दे रही थी। जो दाल बहुत ज़्यादा पतली होती है ना, वो आपको सही से आपको दाल का टेस्ट आने नहीं देती। ये उस तरह की दाल बनी हुई है जिस तरह हम लोग अमूमन जो घर पे आप अपनी अम्मी के हाथ की बनी अच्छी दाल खाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह की है। घर वाला ऑथेंटिक दाल वाला इसका टेस्ट है यार। नाइस भाई, लौकी डाल के दिए तो ज़रा लौकी के साथ भी बाइट लेके देखते हैं। ओए लौकी तो बिल्कुल हलवा बन चुकी है, लौकी बिल्कुल एक तो हलवा बन चुकी है और दूसरा ये कि दाल के अंदर ही मिला के बनाया गया तो लौकी का अपना टेस्ट इतना ज़्यादा आ नहीं रहा। सिर्फ जो उसके ऊपर दाल लगी हुई तो दाल का ही टेस्ट आ रहा है, क्योंकि लौकी को जो ना दाल के अंदर डाल के ही पकाया गया, तो इस वजह से अलग से कोई हैवी टेस्ट लौकी का आ नहीं रहा, दाल का ही एक्चुअली टेस्ट आ रहा है। भाई ये दाल चावल है, मुझे लग रहा है एक्सपेंसिव वाली जो ना अब खतरे में पड़ सकती है। ये मीडियम रेंज दाल चावल की प्लेट हमें पड़ गई टोटल 190 रुपए की। तो व्यूअर्स, हम लोग अपने आज के तीसरे ठिकाने यानी कि एक्सपेंसिव ठिकाने पे पहुंच गए। किधर पहुंच गए हम आज? रीजेंट प्लाजा, जो कि मेरे ख्याल से 5 स्टार या 3 स्टार नहीं, लेकिन यार गूगल स्टार या 3 स्टार है? नहीं, गूगल पे लिखा हुआ है 4 स्टार। यार हम तो समझते थे शायद 3 होता है, 5 स्टार और 7 स्टार होता है, ये 4 स्टार कहाँ से आ गया? बस गूगल बता रहा है तो। हाँ गूगल बता रहा है तो भाई होगा। गूगल भाई को कैसे गलत साबित कर सकते हैं भाई, गूगल पे लिखा हुआ 4 स्टार होता है। तो जनाब देखते हैं कि ये 4 स्टार रीजेंट प्लाजा की दाल चावल आया चीप और मीडियम वाले को पिछाड़ सकती है, रोंद सकती है, कूट मारती है कि नहीं। चले भाई क्रॉसिंग करते हैं। चले आयो यार, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये भाई जो ना आते साथ ही पहचान गए, इन्होंने आते ही देखा और बोला MSM ब्लॉग। हमने बोला चलो शुक्र है भाई, ऐसे बड़े रेस्टोरेंट ऐसे बड़े होटल में कोई तो हमें भी जानता है। भाई कैसे हैं? ठीक है, कहिए। डेली मेरा ड्यूटी से जाता। अच्छा, मैं आपके हर व्लॉग देखता हूँ। ओए होए क्या बात है यार, बहुत बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पर जो बनाया था व्लॉग, वो भी मैंने देखा। भाई आपको देख के मुझे इतना होता है कि मैं शायद मैं भी एक कोई व्लॉगिंग का स्टार्ट करूँ, व्लॉगिंग स्टार्ट करने का, फूड का। अच्छा अच्छा, और तबारक भाई, हाँ नहीं वो तो जी बहुत अच्छा काम करें सर आप। बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया भाई। यहाँ के तो दरो दीवार तेरे और मेरे करियर से ज़्यादा चमक रहे हैं। जो बात यार, यहाँ का एम्बियंस दिल ले गया, दिल ले गया भाई। यार यहाँ का एम्बियंस ऐसा है ना, फुल मेडिटेशन। यकीन करो अगर किसी की तबीयत ख़राब हो ना तो वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय बंदा यहाँ आ जाए। वो डॉक्टर पे जो पर्ची कटाता है ना बंदा, जो पैसों की, उन पैसों से बंदा इधर आ जाए। जब तक ऑर्डर आए इस मध्यम माहौल के मजे तो लें, इतना जो पैसा भरेंगे पेट के साथ साथ आंखों से भी तो वसूल करें। यूं तकरीबन 25 मिनट बाद हमारा ऑर्डर आया, जिसमें सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री रायता और सलाद रखा गया। उसके बाद बड़े शान और शौकत से हमारे दाल और चावल पेश किए गए। तो व्यूअर्स, हम बैठे हुए हैं रीजेंट प्लाजा के सैफ्रॉन रेस्टोरेंट पे। यहाँ भी हमने मंगाए दाल चावल, क्योंकि यहाँ पे दाल चना थी तो हमें वही दी गई और प्लेन राइस। और यहाँ पे दाल चावल दोनों साथ नहीं है, दाल अलग से ऑर्डर करनी पड़ी और चावल अलग से। बात तो एक ही है, खरबूजा छुरी पे या छुरी खरबूजे पे गिरे। आपकी पसंदीदा दाल कौन सी है? और वो मखलूक भी कमेंट सेक्शन में हाजिर लगा जिसे दाल ही नहीं पसंद। भाई जहाँ तक बात करें राइस की, तो भाई इसकी क्वालिटी जो है ना वो चीप और मीडियम से तो बेहतरीन है। और ये साथ में आ गए भाई इनकी दाल चना। भाई रायता सलाद डालना तो मस्ट है, क्योंकि चीप और मीडियम में भी तो चटनियाँ और अचारें डली हुई थी। अब जनाब देखते हैं, जो दिखने में बड़े चावल भी अच्छे लग रहे हैं और दाल भी, क्या ये चीप और मीडियम दाल चावल को अपने जायके के बोझ तले दबोच पाएंगे कि नहीं? बता दो, रिव्यूज दे दो, बताना अभी रिव्यूज। रिव्यूज के अंदर ही जो है ना ये बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। मुझसे रहा नहीं जा रहा, मेरे पेट में बात नहीं रुक रही। बहुत सस्पेंस होना चाहिए ना, मजा नहीं आएगा। मैं फटाफट ढोलूँ, मैं जुबान पे ले आऊँगा। भाई साहब बात कुल मिला के ये है कि जो दाल चावल का असल फॉर्मूला है ना, वो तो यहाँ पे दरअसल कम्प्लीट नजर आया है। और जो असली नस्ली दाल चावल से जायका आप और हम चाहते हैं, वो भी इसमें पाया है। ऐसा नहीं है कि जो बड़े रेस्टोरेंट हैं, जो बड़े होटल हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने एम्बियंस का ही पैसा लेते हैं, एनवायरनमेंट का। इतना कोई मज़ा आया, बिल्कुल ऐसा मतलब मक्खनी टेस्ट था इसका। ओवरऑल हर चीज़ बैलेंस भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना खुश कर पाएगी ये। तो भाई ये जो टेस्ट आना परफेक्ट हमारे दिल पे आके लगा है भाई, दम है भाई, दम है।
तो अभी जरा एक नजर बिल पे हो जाए। 770 की दाल, 600 के राइस, 10% टैक्स के साथ 1550 रुपए। आप सोच रहे होंगे ये 2000 तो नहीं बने, वो मैं आगे बताता हूँ। बहरहाल ये भी कम नहीं है यार एक दाल चावल के हिसाब से। आपके मुताबिक इसका मैक्सिमम कितना रेट होना चाहिए था? होटल के लेवल को जहन में रख के बताइएगा। अच्छा, दाल चावल का तो वो बिल के अंदर लिख कर आ गए थे, लेकिन उनसे एक चीज मिस हो गई थी, पानी की बोतल। वो लिख कर नहीं आए थे, उन्होंने बाद में आके बोला कि भाई पानी की बोतल के पैसे दे दें। मैंने बड़ा चौड़े में आके ना 100 रुपया निकाल के उसको दे रहा था, उसने बोला सर जी 450 रुपए की पानी की बोतल है। मैं जरा हिल गया, तो वहां पे ना मैं सारे टेस्ट को भूल गया। इससे पहले तक जो चल रहा था सब सही चल रहा था, मेरे जायके मायके सारे उड़ गए वहीं पे। तो भाई कुल मिला के तो आज के मोतबर दाल चावल यानी कि तो आज के विनर है ना, वो है भाई एक्सपेंसिव वाले जो कि हम लोगों ने खाए रीजेंट प्लाजा से। तो जनाब इसी के साथ हम लोग इस ब्लॉग को हम लोग ऐड करने जा रहे हैं। आप लोगों ने लाजमी इसको लाइक करना है और इसको शेयर भी करना है और उसको कमेंट भी करना है। अगर चैनल पे नए हैं तो फॉलो और सब्सक्राइब। आपके साथ मिलते हैं अगले कॉन्टेंट में। और हाँ, अगला कॉन्टेंट आप लोगों ने भी बताना है कि भाई कौन सी वीडियो होनी चाहिए। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।